हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू मैथमेटिक्स स्टूडेंट यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम दिसंबर 2019 में पूछे हुए एलपीपी के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन इज फ्रॉम पार्ट बी। द क्वेश्चन सेज दैट सब्जेक्ट टू द कंडीशन एक्स इज बिटवीन 0 टू 10 एंड वाई इज बिटवीन 0 टू 5, द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन 4x माइनस 5y प्लस 10 इज। मिनिमम वैल्यू बतानी है। एक्सप्रेशन क्या गिवन है हमें यहाँ से, 4x माइनस 5y प्लस 10। करना क्या है, इसको मिनिमाइज करना है। मिनिमाइज करने के लिए सीधी सी बात है, x की वैल्यू जितनी मिनिमम हो और y की वैल्यू जितनी मैक्सिमम हो, उस केस में हमें यहाँ से मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि हमें मिनिमम फाइंड आउट करना है। इसमें इस माइनस का साइन, इसलिए इस वैल्यू को नेगेटिव ले रहे हैं। इन केस अगर यहाँ से इस y के आगे प्लस का साइन यहाँ पर होता, तो इसकी वैल्यू को भी हम यहाँ से मिनिमम ही लेते। अब x हमें यहाँ से गिवन किसके बीच में, x इज बिटवीन 0 टू 10, तो x की मिनिमम वैल्यू क्या है हमारे पास, मिनिमम ऑफ x इक्वल्स टू 0 एंड मैक्सिमम ऑफ y हमें यहाँ से क्या गिवन है, x y की वैल्यू 0 से 5 के बीच में, तो y की मैक्सिमम वैल्यू 5 है। तो यहाँ से x की वैल्यू 0 रिप्लेस कर दें, 4 इंटू 0 माइनस 5 इंटू हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, 5 प्लस 10, सिंप्लीफाई कर देते हैं, माइनस 25 प्लस 10, सिंप्लीफाई करने से वैल्यू आ रही है माइनस ऑफ 15, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन हियर। आई होप यू अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।